मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टुडे आई एम शेयरिंग डेमोस्ट्रेटिंग सम एक्सरसाइज विच इज़ वेरी गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट. सो यू ऑल नीड टू डू दीज एक्सरसाइजेज. ओके, आई होप दैट यू ऑल हैव दैट क्रिकेट पैड. फॉर दीज एक्टिविटीज आर फॉर क्लास थर्ड टू क्लास फिफ्थ. सो यू नीड अ फुल साइज बैट बेटे. ओके, परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी यू नीड अ फुल साइज बैट लाइक दैट. एंड विद द बैट वी विल डू दीज एक्सरसाइजेज. फर्स्ट वन एक्सरसाइज बट यू नीड टू डू बेटे, जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू आपको अपने बैट को टॉप से पकड़ना है बेटे. नो नीड टू होल्ड द बैट फ्रॉम दैट प्लेस. आपको टॉप से बैट को करना है एंड यू नीड टू स्टार्ट दैट प्रैक्टिस. वन टू लाइक दैट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डू इट विद योर राइट हैंड एटलीस्ट 10 to 20 टाइम दैट एक्टिविटी. पहले आपको क्या करना है, राइट हैंड से होल्ड करके, टिप से होल्ड करके बैट को 20 टाइम ये आपको हैंड स्लैच करना है एज अ सिंगल. इफ यू हैव टू बैट यू कैन यूज टू बैट ऑल्सो एट द सेम टाइम बेटे. ओके, एंड चेंज द एक्टिविटी विद द लेफ्ट हैंड, होल्ड द बैट फ्रॉम द टॉप एंड देन अगेन डू इट फॉर 20 टाइम. इससे क्या होगा बेटे, योर हैंड्स विल डेवलप अ हैबिट. आपके हैंड्स की एक हैबिट बनेगी बैट को होल्ड करने की. बट यू नीड टू एटलीस्ट फुल साइज बैट बेटे. ठीक है, एक फुल साइज बैट आपको चाहिए. क्लास थर्ड से हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम क्लास फर्स्ट क्लास थर्ड. एंड इफ यू हैव नॉट फुल साइज बैट, क्लास वन एंड टू जो बच्चे हैं वो आपके जो छोटे वाले बैट हैं दे कैन डू दैट एक्टिविटी विद दीज स्मॉल बैट्स बेटे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 राइट हैंड साइड एंड 20 लेफ्ट हैंड साइड. एंड सेकेंड वन एक्टिविटी वट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली आप होल्ड करिए बैट को और स्ट्रेट जो है आप इस तरीके से हैंड को स्ट्रेट करिए और जो स्पोर्ट्स मैंने आपको बताए थे, नाउ स्टार्ट द स्पोर्ट्स. आपने स्पोर्ट्स पोजिशन बनाई, नाउ स्टार्ट द मोशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट यू नीड टू डू, आपको बल्ला घुमाने की प्रैक्टिस करनी है. होल्ड द बैट फ्रॉम द टॉप और उसके बाद आप जिग जैग में आप बल्ला घुमाइए. ये और ध्यान रहे किसी को लगना नहीं चाहिए, कोई आगे से ना हो, आपके हाथ से ग्रिप छूटनी नहीं चाहिए बेटे. जैसे हम तलवार घुमाते हैं, डू इट एटलीस्ट कितने टाइम करना है, 20 टाइम आप करने की कोशिश करिए. यू विल डेवलप अ हैबिट टू होल्ड द बैट. इफ यू विल डेवलप दैट हैबिट बेटे व्हाइल यू विल प्ले द क्रिकेट, दैट टाइम यू विल फील बैट इज वेरी लाइट. ठीक है, इस प्रैक्टिस से आपको बैट क्या लगेगा, बहुत लाइट लगेगा और स्ट्रोकिंग आपको स्ट्रोक बनाने में बहुत मदद करेगी ये एक्टिविटी बेटे. ठीक है, एंड देन सेम एक्टिविटी यू कैन रिपीट विद द दैट हैंड बेटे. लेफ्ट हैंड साइड से भी आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, लाइक दैट. ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट यू कैन डू, आप बल्ले को पकड़िए, ग्रिप से होल्ड करिए और उसको रोल करने की कोशिश करिए. ये ठीक है, जो भी हैंड से आपको कंफर्टेबल होता है रोल करने के लिए बैठे, उससे आप रोल करने की कोशिश करिए. ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बेटे, ये फेमिलियर करती है गेम से एक स्पोर्ट्स पर्सन को. जब इनिशिएट करता है कोई स्पोर्ट्स में आते हैं जब बच्चे अपने इक्विपमेंट से, वो क्या होते हैं बेटे, अटैच होते हैं. और से नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट यू कैन डू, अगली एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, अपने स्टांस को ओपन करिए, स्टांस पोजिशन बनाइए, विड्थ शोल्डर विड्थ पे आपको ओपन करना है अपने लेग्स, अपना बैट अपने पंजे के आगे जहाँ पर आपका पंजा है, कोशिश करिए कि वहाँ पर आपका बल्ला पंजे के ठीक सामने से इस पोजीशन पे रहे और आपका गर्दन जो है सीधे स्ट्रेट सामने, ये ठीक है. और उसके बाद स्ट्रोक बनाइए, पोजीशन बनाइए. सब कल्पना कीजिए, यहाँ पर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि बॉलर इज कमिंग एंड ही इज थ्रोइंग द बॉल, ही इज डूइंग द बॉलिंग फ्रॉम देयर. सो एक कल्पना करते हुए अपने पोजीशन फ्रंट फुट को आप सामने ले जाइए
और अपनी पोजीशन बनाइए, ठीक है? ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी बॉल का हिट नहीं करना है बेटा, पोजीशन बनानी है। 8, 9 and 10, जैसे आपका फुट आगे की तरफ को आ रहा है बेटे, आपकी नज़र भी आगे जा रही है। इस पोस्चर को आपको परफेक्ट करना है, यू नीड टू परफेक्ट दैट पोस्चर, देन यू कैन स्टार्ट द बैटिंग बेटे क्रिकेट में, ठीक है? एंड नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं फॉर दैट एक्टिविटी, यू नीड अ बॉल, आपको एक बॉल चाहिए। आप यू कैन परचेज अ टेनिस बॉल फ्रॉम एनी वेयर, यू कैन फाइंड दिस बॉल इन स्टेशनरी शॉप्स ऑल्सो बेटे। सो आपको करना क्या है, आप बल्ले को पकड़िए, होल्ड योर बैट लाइक दैट एंड देन बाउंस द बॉल ऑन द बैट और काउंट करिए हाउ लॉन्ग यू कैन डू दैट, ठीक है? सारे सरफेस से आप कितनी बार कर सकते हैं, ओके, लाइक दैट। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए 100 times, 200 times, जितना अच्छे आप बैट्समैन बनना चाहते हैं आप उतना एक्सटेंड कर सकते हैं बेटे एक्टिविटी को, यू कैन एक्सटेंड दैट एक्टिविटी। एंड सेकेंड वन एक्टिविटी व्हाट यू कैन डू, इस एक्टिविटी को हम ठीक अपोजिट करेंगे। नाउ हिट द बॉल, बॉल विल बाउंस एंड अगेन हिट इट, हाउ, लाइक दैट, ये आई, ठीक है? दिस इज द एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट एज, अभी तक हम इस सरफेस का यूज कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ दैट एज आप इस पे बाउंस करने की कोशिश करिए बॉल को, इस एज पे थोड़ा एक्सटेंड करिए एक्टिविटी को, थोड़ा अपने लिए कंपटीशन बढ़ाइए बेटे, लाइक दैट, ठीक है? कितना कर सकते हैं, ठीक है? कंसेंट्रेट करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे योर कंसेंट्रेशन पावर विल इंक्रीज एंड यू कैन सी द बॉल लाइक अ फुटबॉल, लाइक अ सचिन तेंदुलकर, ओके? सो दीज आर द सम एक्टिविटी, आई होप यू विल रिपीट दीज एक्टिविटीज एंड यू विल प्रैक्टिस दीज एक्टिविटीज एंड आई वॉन्ट टू से टू गर्ल्स ऑल्सो, गर्ल्स प्लीज डू दीज एक्टिविटीज बिकॉज नाउ अ डेज लॉट ऑफ गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट एंड वी हैव वुमेन्स क्रिकेट टीम इन इंटरनेशनल, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वी हैव ऑल्सो एंड दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। सो बेटे गर्ल्स यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स, ओके? हैव अ गुड डे, बी सेफ एंड बी हेल्दी, बाय बाय।